भीलवाड़ा जिले के कोठड़ी भट्टी कांड में आज बेटी के अंतिम संस्कार के समय पिता ने अपने धैर्य का आपा खो दिया और देखते ही देखते नाबालिग बेटी की को खोने का गम और परेशान पिता जलती चिता में जा कूदा, जिसके बाद पिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से आईसीयू में इलाज जारी है। तो नाबालिग के शव के अवशेषों का अंतिम संस्कार आज किया गया। देर रात बोर्ड टीम ने अवशेषों का पोस्टमार्टम किया था। आपको बता दें, अवशेषों को जलते देख पिता ने अपना धैर्य खो दिया और धधकती चिता में कूदने का प्रयास किया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और फिलहाल पिता की हालत गंभीर है। आईसीयू में इस समय उनका इलाज जारी है। तो कोठड़ी में हुई ये दर्दनाक घटना, और इस घटना के बाद पिता ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। धधकती चिता के अंदर पिता जा कूदा, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका आईसीयू के अंदर इलाज जारी है। देर रात बोर्ड टीम ने अवशेषों का पोस्टमार्टम किया था। आपको बता दें, अवशेषों को जलते देख पिता ने अपना आपा खो दिया और धधकती चिता में कूदने का प्रयास किया। कोठड़ी भट्टी हत्याकांड में से जुड़ा इस समय का हम आपको अपडेट बता रहे हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जेश पारेख। जेश, अभी क्या कुछ स्थिति है नाबालिग के पिता की, क्योंकि वो अब बताया जा रहा है कि आईसीयू में एडमिट है। जी देखिए, जो कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, सर्व समाज की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद में चार दिनों बाद में जो एक समझाइश की स्थिति बनी, जिसके बाद में जिसके चलते आज जो आज जो मृतिका जो थी, मृतिका का आज जो बालिका थी, उस बालिका का जो आज अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो पिता जो था इतने दिन से सर्व समाज के साथ प्रदर्शन में बैठा था, वो आज इतना भावुक हो गया अपनी बेटी को लेके कि जो आज अंतिम संस्कार के समय जो बेटी की चिता थी, बेटी की चिता में भावुक होकर जैसे ही कूदने लगा, तो आसपास जो रिश्तेदार खड़े थे उन्होंने उसे किसी तरीके से रोका, लेकिन फिलहाल जो है अभी उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे देखकर अभी उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, अभी अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है प्रशासन की ओर से, अभी वहां पर किस तरीके का माहौल है और आगे प्रशासन का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है इस पूरे केस के अंदर? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो आईजी लता मनोज कुमार भी भीलवाड़ा आए थे, उनके द्वारा भी केवल प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की जा रही थी। पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। अब तक करीब 9 लोगों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिराई गई है। तो पुलिस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक मुस्तैदी के साथ नजर आ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर जो है वो बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल जो पिता की जो हालत है, जो चिता में बेटी की चिता में जो पिता कूदे थे, उनकी हालत भी बिल्कुल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो पीएमओ है, जो जिला अस्पताल के पीएमओ है, उन्होंने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जो बेटी के पिता की जो हालत है उसमें बीपी शुगर सभी बिल्कुल कंट्रोल में बताए हैं। जी जेश, इस मामले को लेकर और मौका मुआयना करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी आए थे, उनसे कोई बातचीत हुई? देखिए, लगातार जो आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। कल जो है 4 सांसदों की टीम भी जांच के लिए पहुंची थी, महिला आयोग के सदस्य भी जांच के लिए पहुंचे हैं, जिनके द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए करीब करीब जांच जारी रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जेश इस तमाम जानकारी के लिए।